नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः बात एजुकेशन में। मैं गौरव रंगे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, बृहद हिमालय हमने पढ़ा दिया था, लघु हिमालय हमें पढ़ाना है आपको। देखिए, आइए समझिए। तो मान लीजिएगा, इमेजिन करिएगा, ये बृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तो ये जो हिमालय है, इस हिमालय का नाम है बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय है? तो ये हिमालय का नाम बृहद हिमालय और लघु हिमालय। चार भागों में टूट गया है, चार भागों में टूटी हुई संरचना है, यह हमारा लघु हिमालय है। कौन सा हिमालय है? तो हमारा लघु हिमालय है। और इसको हम बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से बनाएंगे, लघु हिमालय। ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में एक नाम दे दिया जाता है, और लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में नाम दिया जाता है पीर पंजाल पर्वत। क्या नाम दिया जाता है? पीर पंजाल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसको एक नाम दिया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में इसको एक नाम दिया जाता है धौलाधर पर्वत। क्या नाम दिया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। उसके बाद चला जाता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में इसको क्या नाम दिया जाता है? तो उत्तराखंड में इसको नाम दिया जाता है मसूरी पर्वत। उत्तराखंड में क्या नाम दिया जाता है? मसूरी पर्वत। उसके बाद नेपाल के क्षेत्र में चला जाता है नेपाल में, और नेपाल में अगर हम देखें तो नेपाल में इसको एक नाम दे दिया जाता है महाभारत पर्वत। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको नाम दिया जाता है महाभारत पर्वत। आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वत, ठीक ना, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी पर्वत, ठीक ना। यहाँ पर नेपाल लिखा है, महाभारत लिखा है, कट गया है, चलिए हम दोबारा बना लेंगे, चलेगा। अगर देखें तो यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत पर यानी जम्मू कश्मीर में मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुलायम घास के मैदान। एक काम कीजिएगा, जो हम नेपाल वाला उस साइड लिखे हैं ना, उसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये तो तीन भारत के राज्य हो गए, और इस साइड में इसको हटा के यहाँ पर नेपाल को लिख देता हूँ, ठीक ना। तो उत्तराखंड में मसूरी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, और यहाँ पर हम नेपाल का नाम लिख दे रहे हैं। नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में इसको महाभारत पर्वत कहते हैं। यही से स्टार्ट कर लेते हैं, नेपाल में महाभारत पर्वत कहते हैं। महाभारत पर्वत के समीप एक घाटी है जिसका नाम है काठमांडू। एक घाटी है यहाँ पर, और इस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी। नेपाल पर्वत के समीप घाटी है और इस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी, और इसी काठमांडू घाटी में एक शहर बसा हुआ है, और यहाँ पर जो शहर बसा हुआ है इसका नाम है काठमांडू शहर। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है काठमांडू शहर। ये पंजाल पर्वत पर जम्मू कश्मीर में मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, इन मुलायम घास के मैदानों को मर्म या मर्ग कहते हैं। मर्म या मर्म, जैसे सोनमर्म, जैसे सोनमर्म, जैसे गुलमर्म, जैसे टनमर्म। सोनमर्म, गुलमर्म और टनमर्म कहते हैं कहां पर? मुलायम घास के मैदान को, जम्मू कश्मीर में। यहीं पर पंजाल पर्वत से होते हुए एक नदी बहती है यहाँ पर, और जो नदी बहती है यहाँ पर, इस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जब पर्वतों से नीचे गिरती है, जब झेलम नदी ऊंचे वाले स्थानों से नीचे गिरेगी, कोई भी नदी होगी, झेलम क्या, कोई भी नदी, जब नदी ऊपर वाले स्थानों से नीचे गिरती है तो घाटी का निर्माण करती है। तो इसने एक घाटी का निर्माण कर दिया, और इसने जिस घाटी का निर्माण किया है उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। तो यहाँ पर एक घाटी है, घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में झेलम नदी के द्वारा मिट्टी बहाकर लाई गई, और झेलम नदी के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई उस मिट्टी को एक नाम दे दिया गया, और मिट्टी को नाम दे दिया गया करेवा मृदा। मिट्टी को क्या नाम दे दिया गया? तो मृदा को एक नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया करेवा मृदा, ठीक ना। तो झेलम नदी के द्वारा जो जो यहाँ पर कश्मीर घाटी है वहां पर एक मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम है करेवा मृदा। इस करेवा मृदा में, अच्छे समझिएगा, करेवा मृदा इसको नाम दे दिया गया, और इस करेवा मृदा में केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? तो करेवा मृदा में खेती की जाती है केसर। तो यहाँ पर किसकी खेती की जाती है? तो यहाँ पर खेती की जाती है केसर। तो यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, ठीक ना। धौलाधर पर्वत इसको हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग बाग घूमने जाते हैं, जैसे यह धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक और शहर है, और इस शहर का नाम है शिमला।
हो गया धर्मशाला, उसके बाद दूसरा शहर हो गया शिमला, एक और है जिसका नाम है डलहौजी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल मतलब ऐसे शहरों को कहते हैं जहाँ पर हम लोग पिकनिक मनाने या जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पर्यटन स्थल कहते हैं। उत्तराखंड में इसे मसूरी पर्वत कहते हैं और यहाँ पर द्वार घास के मैदान पाए जाते हैं, द्वार घास के मैदान। और इन्हीं द्वार घास के मैदान में एक शहर बसा हुआ है, और इन द्वार घास के मैदान में जो शहर बसा हुआ है इस शहर का नाम क्या है? तो इस शहर का नाम आपको याद रखना है, इस शहर का नाम है हरिद्वार। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय पर दो महत्वपूर्ण घाटी हैं, हिमाचल प्रदेश में सॉरी एक घाटी है और इस घाटी का नाम है कांगड़ा घाटी। क्या नाम है? कांगड़ा घाटी। और एक और है जिसका नाम कुल्लू मनाली घाटी, कुल्लू मनाली। तो कांगड़ा घाटी और कुल्लू मनाली घाटी है। और मसूरी पर्वत पर अगर बात करें तो मसूरी पर्वत पर भी यानी उत्तराखंड में दो घाटी है, एक घाटी का नाम है दून घाटी और दून घाटी में देहरादून शहर स्थित है, और दूसरी घाटी का नाम है ताल घाटी और ताल घाटी में नैनीताल शहर स्थित है। तो दून घाटी में देहरादून और ताल घाटी में कौन सा शहर है? ताल घाटी में जो शहर है इस शहर का नाम है नैनीताल। ठीक ना, ये बातें आपको याद रखनी होगी, बातें याद रखनी होगी आपको। ठीक ना, चलेगा। अगला देखें, ना का लघु हिमालय है। ठीक ना, लघु हिमालय पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी विशेषता और घास के मैदान के साथ साथ यहाँ पर घाटियों का विकास हुआ है, इन दो बातें आपको याद रखनी है, घास के मैदान और घाटियों का यहाँ पर विकास हुआ। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, शिवालिक हिमालय आता है शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखिएगा जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला। ठीक ना, एक छोटा सा आज छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे इसमें। एक और रह गया, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो हिमालय का नदियों के आधार पर हम विभाजन को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है सर सिडनी बुरार्ड। सर सिडनी बुरार्ड, सर सिडनी बुरार्ड को नदियों के आधार पर इन्होंने हिमालय का विभाजन किया। चलिए अब देखिएगा, हिमालय जिला में समझाने के लिए भारत बना लिया। यहाँ पर ट्रांस हिमालय है, हिमरद हिमालय है, यहाँ पे लघु हिमालय है और यहाँ पर शिला हिमालय है। ठीक ना, एक नदी यहाँ से आती है और एक नदी ऐसे होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु, और यही से मानसरोवर से एक नदी और निकलती है जो ऐसे होते हुए पाकिस्तान जाती है, इसका नाम है सतलज। तो ये सिंधु और सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच वाला क्षेत्र, यानी एक नदी कौन सी हमारे पास, एक नदी है सिंधु और दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी है सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर एक हिमालय है जिसका नाम है कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या नाम है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। आपको याद रखना है, अब फिर पूछा जाएगा कश्मीर या पंजाब हिमालय के नदियों के बीच के क्षेत्र में, तो सिंधु और सतलज। सतलज नदी के बाद यहाँ पर नेपाल से यहाँ से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है काली। तो
सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र यानी यही, तो एक सतलज नदी है और दूसरी नदी कौन सी है, काली। तो सतलज और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दे दिया गया कुमायू हिमालय। कुमायू क्या नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया कुमायू हिमालय, है ना। यहाँ सिक्किम से एक नदी निकलती है और बांग्लादेश में चली जाती है, इस नदी का नाम है तिस्ता। क्या नाम है, तिस्ता। तो ये काली और तिस्ता, तो काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को, काली और काली के साथ साथ एक नदी कौन सी है, तो तिस्ता। तो काली और तिस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र को नाम दे दिया जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल का क्षेत्र आता है पूरा, तो इसको एक नाम दे दिया गया नेपाल, नेपाल हिमालय। क्या नाम दे दिया गया इसको, इसको एक नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता की नदी। और इसके बाद एक नदी यहाँ पर ऐसे बहती है जिसका नाम दिहांग है, तो ये तिस्ता नदी एक दिहांग है, एक तिस्ता हो गई। और एक नदी कौन सी है, तो एक नदी आपकी है दिहांग। तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले क्षेत्र को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को नाम दे दिया गया कौन सा हिमालय, असम। तो सर सिडनी वुडार्ड नामक वैज्ञानिक ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया, और हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन किया गया वो 5 नदियां हैं, सिल्लो और सतलज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय, तो तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका हो गया असम हिमालय, ठीक ना। तो यहाँ पर आते आते हमारा हिमालय पर्वत कंप्लीट हुआ। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज नेट ना आने कारण एक क्लास आपको रिकॉर्ड फॉर्म में भेजी जा रही है, और कल भी नेट प्रॉब्लम रहती है तो आपको रिकॉर्ड फॉर्म में ही क्लास मिल पाएगी, ठीक ना। चलिएगा, तो हिमालय आपका समाप्त हुआ। हम कोशिश करेंगे कि आपको संडे के पहले पहले एक इसका नोट्स मिल जाए और एक आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाए, ठीक ना। थैंक यू, कल मिलते हैं।